नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे गांव की पाठशाला में। और आज हम आप लोगों के लिए एक बेहतरीन कहानी को लेकर के आए हैं, जो शायद आपके जीवन के कई पहलुओं को जानने में आपकी मदद करेगी। और मदद ही नहीं बल्कि कुछ ऐसे पहलू होते हैं जो हम दूसरों पर तो थोप देते हैं कि हाँ यार वो तो गलत कर रहा है, लेकिन जब अपनी बात आती है तो हम उसको स्वीकार करने में काफ़ी तकलीफ होती है। एक उदाहरण के तौर पर मैं कहना चाहता हूँ कि जैसे आज भारत देश पूरे विश्व में वसुधैव कुटुंबकम एक संदेश दे रहा है और पूरे विश्व इसको काफ़ी खुशहाली से एक्सेप्ट भी कर रहा है कि यार हिंदुस्तान की जो सोच है वो पूरे विश्व को साथ में लेकर के चलनी है। जब हम कुटुंब या परिवार की बात करते हैं तो परिवार एक ऐसा होता है जहाँ पर सभी लोग एक साथ रहते हैं, एक साथ आगे बढ़ते हैं, कोई एक दूसरे के बारे में बुरे विचार नहीं रखता है। माना दो भाई हैं, एक परिवार में रहते हैं और एक भाई सक्सेस हो गया तो दूसरे भाई को जलन नहीं होती है। लेकिन अगर हम भारत की बात करें, अगर हम वसुधैव कुटुंबकम को हर एक व्यक्ति, मैं सभी की बात नहीं कह रहा हूँ, लेकिन काफ़ी ज़्यादा दुख होता है कि जब हम वृद्ध आश्रम में जाते हैं और वहाँ पे देखते हैं कि हजारों बुजुर्ग लोग, बुजुर्ग माता पिता जिन्होंने अपने बच्चे को पढ़ाने में, बड़ा करने में काफ़ी तकलीफें झेली हैं, आज वो अकेला उस वृद्ध आश्रम में रह रहे हैं। और दूसरी ओर ये खुशी मिलती है कि कम से कम भारत में वृद्ध आश्रम तो है जहाँ पर अगर कोई बालक अपने माता पिता को ऐसे ही छोड़ देता है, कोई तो है जो उन्हें अपने एक कुटुंब या परिवार में शामिल करता है। तो दो पहलू होते हैं ज़िंदगी के कि आदमी किस प्रकार से देखता है। तो इसी पर आधारित एक कहानी है जो हमें काफ़ी कुछ सिखा डालती है और कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की ये कहानी। तो कहानी की शुरुआत होती है, काल्पनिक कहानी है और इस कहानी की शुरुआत होती है आधुनिक युग को देखते हुए भगवान की चिंताएं काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही हैं, क्योंकि दो विश्व युद्ध हो चुके हैं लेकिन दोनों विश्व युद्ध में मानव सभ्यता पर उतनी ज़्यादा पीड़ा या उतना ज़्यादा संकट नहीं आया है जो संकट तृतीय विश्व युद्ध में आ सकता है। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध में केवल एक ही देश ने एक देश पर परमाणु बम डाले थे, लेकिन अगर आज वर्तमान में तृतीय विश्व युद्ध छिड़ता है और परमाणु युद्ध होता है तो रशिया से जैसे एक पत्रकार ने पूछा कि सर आपका ये जो डेड हैंड सिस्टम है ये आपने क्यों बनाया है, यदि कोई देश आप पर हमला करता है तो ये डेड हैंड सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा और ये उसके बाद किसी भी देश को नहीं देखेगा कि ये देश मेरा दोस्त है या ये देश मेरा दुश्मन है, ये बस परमाणु जो बम है ये पूरी दुनिया पर बरसने लगेंगे और ऐसे में पूरी दुनिया में तबाही का माहौल छा जाएगा। यहाँ पर मानव सभ्यता ही क्या, कोई भी सभ्यता, जीव जंतु, पेड़ पौधे रहने के काबिल नहीं बचेंगे। तो तब व्लादिमीर पुतिन कहते हैं कि मैं रशिया का प्रेसिडेंट हूँ और मैं यहाँ का एक नागरिक भी हूँ, क्या हम लोग ये चाहेंगे कि रशिया जैसा देश अगर इस दुनिया से मिट जाता है, यानी कि उनका कहने का मतलब था अगर कोई हम पे परमाणु बम का अटैक करता है और हम यहाँ से विलुप्त हो जाते हैं या हमारे जो देश की पहचान है वो खो जाती है तो ऐसे विश्व में रहने का क्या फ़ायदा जहाँ पर रशिया ही ना हो। तो देखो दुख तो होता है, कष्ट तो होता है, हमें कष्ट हो रहा है और उस भगवान को भी कष्ट हुआ होगा जिसने हमारी ये प्यारी सी दुनिया बनाई है जीने के लिए, लेकिन हम लोग हमेशा एक दूसरे की टांग खींचने पे लगे हुए हैं या फिर एक दूसरे का मौत का सामान बनाने में लगे हुए हैं। तो यही चिंता भगवान के मन में भी लगी। तो भगवान ने बोला कि मैं ऐसा करता हूँ कि अगर मानव सभ्यता को बचाना है तो तीन महाशक्तियों के जो प्रतिनिधि हैं उनको बुलाता हूँ, ठीक है, और उनको एक ऑफर देता हूँ। तो भगवान है वो कुछ भी कर सकते हैं, उन्होंने जो बोल दिया वो तो निश्चित ही होगा, है ना। तो भगवान ने तीन प्रतिनिधि, एक रूस, एक अमेरिका और एक चाइना, तीनों के प्रतिनिधियों को बुलाया और बिठाया। भगवान ने एक शर्त लगी कि देखो यार जो भी तुम दुनिया में कर रहे हो ना वो गलत है, मैंने ये दुनिया जीने के लिए बनाई है और तुम लोग मौत का सामान बना रहे हो। तुम
हर पल हर क्षण ये चाहते हो कि कहीं ना कहीं हम सैन्य ताकत में आगे बढ़ें। सैन्य ताकत का मतलब ही यही है कि अगर मेरे पास एक परमाणु बम है तो दूसरा चाहता है कि मेरे पास दो परमाणु बम हो, यानी कि अगर वो एक देश का खात्मा कर सकता है तो मैं दूसरे देश का खात्मा करूं, ये उनके मन में कहीं ना कहीं विचार रहता है। तो मैं ऐसा करता हूं कि तुम लोग मुझसे एक एक वरदान मांगो और ये जो वरदान है ये मैं पूरा करूँगा। तीनों देश खुश हो गए क्योंकि भगवान ने कहा है वरदान मांगने के लिए। भाई कोई भी तपस्या नहीं करनी पड़ी, कोई भी भगवान का नाम का जप नहीं करना पड़ा, मतलब फ्री में तुम्हें ऑफर मिल रहा है। तो सबसे पहले पूछा जाता है रसिया से कि बताओ भाई, तुम बताओ तुम्हारी क्या सोच है, तुम्हें किस चीज़ का वरदान चाहिए। तो रसिया ने बोला कि सर मैं भी शांति चाहता हूँ पूरे विश्व में, लेकिन एक बड़ा जो कष्ट है वो है अमेरिका। अगर दुनिया में अमेरिका का नक्शा ना हो, दुनिया में अमेरिका का वजूद ना हो, तो पूरी दुनिया जो है बेहतरीन हो जाएगी। यानी कि उसने इनडायरेक्टली ये बोल दिया कि अमेरिका देश पृथ्वी पे होना नहीं चाहिए, यानी कि अमेरिका निस्तनाबूत हो जाए। भगवान ने पढ़ लिया यार, भगवान ने बोला मैं यहाँ शांति की बात कर रहा हूँ। अपने मन में सोचा भगवान ने कि मैं शांति की बात कर रहा हूँ और इनके मन में भी अभी खुरापात चल रहा है, जबकि ये जो है ये भी मांग सकता था कि यार कम से कम जिनके दिमाग में ये खुरापात चलती है कि दूसरे को मारना है, दूसरे को कष्ट पहुंचाना है, उनके दिमाग को आप एक पॉजिटिव वे में ले जाएं, जहां पर केवल लोग ये सोचें कि हम कैसे बेहतर हों, एक दूसरे को गिरा कर नहीं, एक दूसरे को साथ में चलकर। लेकिन रसिया से ये सुनने को मिला। फिर बारी आती है अमेरिका की। अमेरिका कहता है कि सुनो, रसिया तो भगवान को मानता ही नहीं है, आपको तो ये मानता ही नहीं है, पर आज वरदान लेने की बात आई तो हमको कहता है। आप ऐसा करो कि अगर रसिया दुनिया में नहीं रहेगा तो शांति अपने आप ही कायम हो जाएगी। ये कभी किसी पे अटैक करता है, कभी किसी पे अटैक करता है, हम लोग तो शांत बैठे रहते हैं, हम लोगों को जाना पड़ता है, हम लोगों को बचाना पड़ता है, लेकिन ये कहीं ना कहीं युद्ध को छेड़ देता है। और हम ये चाहते हैं कि अगर रसिया ना हो तो शांति अपने आप बहाल हो जाए। अब भगवान ने बोला यार आप क्या ही बोलेंगे, है ना, अगर आप भी शांति चाहते हैं लेकिन जो दो व्यक्ति आपस में बैठे हुए हैं आप उनके शांति वार्ता चाहते हैं लेकिन दोनों एक दूसरे को नहीं चाहते हैं, दोनों एक दूसरे को साथ में लेकर आगे बढ़ना ही नहीं चाहते हैं, तो आप भी क्या करेंगे। और भगवान को बड़ी चिंता, भगवान ने बड़ी तीखी नज़र से रसिया ने तो बोल दिया था अब थी बारी चाइना की बोलेगा कि चलो यार तुम्हारी भी सुनी लेता हूँ, तुम बताओ। तो चाइना ने क्या बोला कि हे प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे ना वरदान चाहिए ना ही मेरी कोई इच्छा है, लेकिन अगर आप इन दोनों के वरदान को सफल कर दो तो मैं ये सोचूंगा कि आपने मुझे वरदान दे दिया, मेरे लिए वही वरदान। तो ये होता है कि जब दो लोग आपस में लड़ते हैं तीसरे को अपने आप ही फायदा हो जाता है। अब चाइना को कुछ भी नहीं करना पड़ा, रसिया चाहता है अमेरिका ना रहे, अमेरिका चाहता है रसिया ना रहे, दोनों अगर ना रहे फायदा किसको होगा, चाइना को होगा, चाइना डोमिनेंट करेगा। तो ये तो बात थी देशों के लेवल पर। मैं ये चाहता हूँ अभी आप इस वीडियो को पॉज करें और इस कहानी से आपको क्या सीख मिली, आप क्या इस कहानी से समझे, प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा, फिर हम अपने विचार इस कहानी के माध्यम से आपको देना चाहते हैं। बड़ा ही गर्व का समय है, वर्तमान समय में भारत देश G20 सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहा है और यहाँ पे G20 देशों के प्रतिनिधि आ रहे हैं और हमने जो संदेश विश्व को दिया है वसुधैव कुटुंबकम का, वो हर एक विश्व का नागरिक उसकी सराहना कर रहा है। लेकिन वसुधैव कुटुंबकम देश के लेवल पर ही नहीं, हमें अपने लेवल पर भी लागू करना चाहिए। अपने लेवल पर कैसे, देखो कुटुंब या परिवार का मतलब होता है सबको साथ में लेकर के सबके बारे में सोचना, सबके हित के बारे में सोचना। लेकिन आप अपने आप से पूछिए कि आप कभी किसी के हित के बारे में सोचते हैं, और अगर आप किसी के हित के बारे में सोचते हैं क्या आपने कभी किसी का हित किया है, क्या कभी आपने किसी को सही मार्गदर्शन दिया है। चलो छोड़ो, दूसरों की बात छोड़ देते हैं, लेकिन जिन माँ बापों ने आपको इतना बड़ा किया, इतना पास बोल कर बड़ा किया, आपको सक्सेस बनाने में उनकी काफ़ी
महत्वपूर्ण भूमिका रही और आज हम देखते हैं कि हमारे भारतवर्ष में कई सारे वृद्ध आश्रम खुले हुए हैं जहाँ पर वे बुजुर्ग माता पिता रहते हैं जिन्होंने अपने बच्चे की पढ़ाई में अपने बच्चे को सक्सेस बनाने में कई कठिनाइयाँ झेली हैं। कई सारे इंटरव्यू आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे जहाँ पर आपकी आँखें भी नम हो जाएंगी। लेकिन अगर उनके बच्चों से पूछा जाए कि आज हम G20 की अध्यक्षता कर रहे हैं और वसुधैव कुटुंबकम का नारा हम दे रहे हैं तो वो भी बड़े मंच से क्या बोलेंगे कि बिल्कुल हम वसुधैव कुटुंबकम की सोच के व्यक्ति हैं, हम पूरे विश्व को एक साथ लेकर के चलना चाहते हैं, पूरा विश्व एक कुटुंब। लेकिन वो कहीं ना कहीं अपने कुटुंब और अपने परिवार को साथ में लेकर नहीं चलना चाहता और यही कारण है कि हम एक दूसरे की जो सक्सेस है उसको एंजॉय नहीं करते बल्कि बड़ा दुख होता है हमें। और जब आदमी दुखी होता है तो उसका सुख एक ही होता है कि जो व्यक्ति सुखी है यानी कि जो सक्सेस हो रखा है उसको दुख में कैसा डाला जाए। वही तो अमेरिका और रशिया कर रहे हैं। अमेरिका अगर सुख में है, बड़े मज़े कर रहा है, तो रशिया नहीं चाहेगा कि वो मज़े करे, वो कुछ ना कुछ छेड़ाखानी करेगा। वैसे ही अमेरिका कुछ ना कुछ छेड़ाखानी रशिया पे कर रहा है ना। रशिया अगर युद्ध में उलझा हुआ है उसको और उलझा रहा है। वहाँ बलि का बकरा कौन बन रहा है? बलि का बकरा यूक्रेन बन रहा है। लोग किसके मर रहे हैं? यूक्रेन के। पर इनडायरेक्टली फ़ायदा किसको हो रहा है? अमेरिका का हो रहा है। तो ये लोग कभी नहीं समझ पाएंगे कि वसुधैव कुटुंबकम क्या होता है। लेकिन हम भारतवर्ष के लोग हैं, हमें पता है एक कुटुंब क्या होता है, एक परिवार क्या होता है। लेकिन कुछ गलतियाँ हमसे हुई हैं, हम पाश्चात्य संस्कृति की ओर इतनी तेज़ी से बढ़े हैं कि हमने अपने परिवार, अपने कुटुंब, हमारा जो नारा था उसको अपनी भावनाओं तक नहीं जाने दिया। वो केवल हमारे विचारों तक रह गए। हम भाषण में जरूर बोल लेते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन अपने आंतरिक मन में उतारने में अभी तक असफल हुए हैं। लेकिन हम असफल आगे होंगे ये गारंटी नहीं है। हम जरूर इसमें सफलता हासिल करेंगे और मैं उम्मीद करता हूँ जितने भी हमारे जो वृद्धा आश्रम है उनमें लगातार ये कमी आती रहेगी और आनी भी चाहिए। वसुधैव कुटुंबकम की शुरुआत हो चुकी है और ये हम सफल बनाएंगे अपने परिवार से, अपने मित्रजनों से, अपने सहयोगियों से, सबको एक साथ लेकर के आगे बढ़ेंगे। जो सक्सेस हुए हैं वो अनसक्सेसफुल लोगों को भी कुछ ना कुछ राय देंगे, कुछ ना कुछ मार्ग दिखाएंगे, और जो अनसक्सेसफुल लोग हैं वो सक्सेसफुल लोगों से नहीं जलेंगे बल्कि उनके मार्गदर्शन में सक्सेस होने का प्रयास करेंगे और सब एक साथ आगे बढ़ेंगे। इन्हीं के साथ हम लोग आपसे विदा चाहते हैं। हम लोग हाजिर होंगे एक नई कहानी के साथ अगले हफ्ते। तब तक बने रहिए हमारे चैनल के साथ और यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।